दोस्तों, आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बातें बेशक छोटी हो लेकिन वो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। एक कहावत है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो एक जिंदगी में हजार जिंदगी के बराबर काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि सफल इंसान बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी आज तक बिना मेहनत किए बड़ा इंसान नहीं बना। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है और बुरी से बुरी सिचुएशन से निकलना होता है। लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे पहली बात है अप टू डेट रहना, दुनिया के साथ चलना और दुनिया में होने वाले बदलाव को कबूल करना। अगर आप पीछे रह गए तो बाद में आप नए कन्वर्जन को समझ नहीं पाओगे और दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया वाले आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, नतीजन आप फेल हो जाओगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है कुछ नया करने को और दूसरों की मदद करने के लिए। हमेशा अपने आप को आधुनिक रखें और नई दुनिया के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, कौन सी है वो बातें जो आपको जीवन में सफल बना सकती है और जिन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो सबसे पहली बात, पुरानी बातों को याद मत करो। दोस्तों, जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अतीत को कभी भी बदला नहीं जा सकता, मगर भविष्य को तो बदला जा सकता है। भविष्य को खूबसूरत और सफल बनाया जा सकता है। आपको चाहिए कि आप गुजरे हुए समय की बात या दुख को भूलकर नई जिंदगी यानी अपने आने वाले समय की तैयारी करें, ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। आपकी जिंदगी बेहतर तभी बनेगी जब आप अपने कल को भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचेंगे और टाइम पास करने से बेहतर कोई अच्छा काम करेंगे। जो समय बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचकर पछताने से अच्छा है अपने भविष्य को बेहतर बनाना। इसलिए बीती बातों को छोड़कर आगे के बारे में सोचो और खाली बैठने की जगह कुछ अच्छा और बड़ा करने का कार्य करो। और दोस्तों, दूसरी बात, हमेशा पहले से तैयार रहो। हमेशा अपने आप को आने वाले समय के लिए, आने वाली परेशानियों के लिए अप टू डेट रखो, जिससे आपको आने वाली परेशानियां कठिनाइयों से डर ना लगे और आप उनका डटकर मुकाबला कर सके और अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सके। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत आने पर उनका हल खोजते हैं, मगर आप आने वाले समय की हर बला के लिए पहले से ही तैयार रहें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर सको और उससे जीत सको। वरना ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे वक्त पर पढ़ाई ना करने वाला स्टूडेंट पछताता है कि काश मैं पहले से ही तैयारी करके रखता तो फेल ना होता। और दोस्तों, तीसरी बात, गलती होने पर पछतावा नहीं, सुधार करें। दोस्तों, हमेशा पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। ये बात 100% सच है। इसलिए पुरानी बातों पर रोने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ो और अपनी गलतियों में सुधार कर सको। अगर आपके साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ है या किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसे गाली देने या उसके बारे में सोचकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको ये सब भुलाकर फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। आप मेहनत करोगे तो कुछ दिनों बाद पहले से ही सब बेहतर हो जाएगा। इसलिए कभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे नहीं रहे। इससे आप किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उल्टा खुद का ही नुकसान कर लोगे। तो बेहतर यही होगा कि अतीत को भूलकर कुछ नया करने की सोचे। और दोस्तों, चौथी बात, कल पर भरोसा मत करो। दोस्तों, हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर काम करें। कभी भी कोई काम कल पर ना छोड़े। ऐसे लोगों को आलसी और नाकामयाब बेकार कहा जाता है। आपको जो भी करना है आज ही करो, क्योंकि कल क्या होगा आप नहीं जानते और ना ही आपके पास कल जिंदा रहने का कोई लाइसेंस है कि आप कल भी जिंदा रहोगे। मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए अगर आपको दुनिया वालों को कुछ करके दिखाना है और नाम कमाना है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए। और दोस्तों, पांचवी बात, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। कभी भी किसी काम को जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी में किया गया काम 99% खराब होता है। काम को काम की तरह करें, वरना वह आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। बिना सोचे समझे किए गए काम में हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए हर काम को करने से पहले उसके बारे में एक बार अच्छे से समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। फिर आपको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी। कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपको उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपको उसमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए हर काम को समझकर करें, उसकी बारीकी तक पहुंचे, जिससे भविष्य में आपको उसमें परेशानी ना हो। और दोस्तों, छठी बात कि कभी हार मत मानो। कहते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो ईश्वर हजार रास्ते खोल देता है। इसलिए कभी भी सफलता ना मिलने पर घबराए नहीं, बल्कि उस काम को दूसरे तरीके से करने की सोचिए। लाइफ में हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाए, उसका डटकर मुकाबला करो, उससे हार मत मानो। जो लोग मुसीबत का सामना करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसमें समय जरूर लगता है, मगर डटकर मुसीबतों से लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए हमें किसी भी काम में असफलता मिलने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह पता करना चाहिए कि इस काम को करने का दूसरा तरीका क्या है। और आपको एक पागल की बातों से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इसलिए कभी भी किसी की एडवाइस को नजरअंदाज मत करो, उसके बारे में बारीकी से सोचो। हो सकता है उसमें आपको कोई फायदा निकल आए। अगर आप पहले से ही सफल हो तो उसकी कदर करो। और कभी ये मत सोचो कि मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वरना एक दिन हो जाओगे। हर किसी की बात सुनो, चाहे कोई आपको गाली ही क्यों ना दे, मगर किसी की बात का बुरा मत मानो, उससे सिर्फ सीख लो। और दोस्तों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी आप किसी काम में अकेले पड़ जाओ तो घबराना नहीं, क्योंकि अकेले काम करने वाले आप पहले नहीं हो। दुनिया में 70% सफल लोगों ने अकेले सफर तय किया है। आप सोचते हो कि महान बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो आप गलत हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने दम पर ही सफलता हासिल की है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में 80% लोग अमीर आदमी अपने दम पर मेहनत करके बड़े आदमी बने हैं। बाकी सिर्फ 20% ही अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी से अमीर बने हैं। अगर कभी आप किसी काम में अकेले पड़ जाओ तो घबराए नहीं। आप अकेले नहीं हो जो मंजिल पर पहुंचोगे। दुनिया के 70% कामयाब लोगों ने अकेले ही सफर तय किया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको एक नई मोटिवेशन देना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप सभी लोगों के सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूं 2000 लाइक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस लाइक को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह अपने सपनों को पूरा करते रहिए, अपनी मंजिल तक बढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप लोग भी जरूर जिंदगी में सफल बनेंगे। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।